अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो? तबीयत सही है आपकी? पहुंच गए आप खैरियत से हमारे पास? हाँ जी पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? हम सुजुकी में आए थे। सुजुकी में? अच्छा, इधर चौक उतर गया था। हाँ हाँ, लिफ्ट लेके मोटरसाइकिल पे गया। अच्छा अच्छा, अब ये है कि हमने आपके लिए छोटा सा जो है एक आपके लिए रखा हुआ है, ये हो गया सामान, और ये भी ले लो आप। और इतर कितने? इतर ये 10 पीस लेकर 10 पीस लेकर आए, तो कितने बने 10 पीस के? ये 500 रुपये होते हैं ना, ये पकड़ना अर्शद भाई, जरा 500 रुपये ज़रा इनको हम देते हैं। अच्छा जी, और सुना सब खैरियत है? तो किसी ने फ़ोन वो नहीं किया आपको यार, वीडियो लगाई थी जो है माशाल्लाह से? अभी तक तो फिर। अच्छा अच्छा, आज आपका ही फ़ोन आया था। हाँ हाँ, ये ले 500 रुपये। आप गाँव में याद रखिएगा, और मैं अपने दोबारा अपने जितने भी लोग हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये बंदे वो है जो रिस्क हलाल कमाने की जस्तुजू में रहते हैं, ये कोई भीख नहीं मांगते, कोई भिखारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना है, पैदाशी नाबीना है, लेकिन उसके बावजूद जो है अपना ये कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है, इनके साथ ताउन फरमाएँ, और इनके साथ ताउन फरमाना जायज़ भी बनता है, हक भी बनता है इनका जो है। तो मैं अपने बरकत भाई के लिए खुसूसी तौर पे जो है दरख्वास्त करूंगा लोगों से कि इनके साथ जो है ज़रूर ताबुल फरमाएं। इनका नंबर मैं दोबारा डालता हूं, आपसे मेहरबानी करके इनके साथ ताबुल फरमाए दें। तो मैंने आपका मैसेज भी चला दिया बिल्कुल, ठीक है ना? तो अब आप एक काम करें, मैं आपको रक्षा करवा दूँ, है ना? रक्षा करवा देता हूँ।